मला की। इसमें हम देखेंगे भीतरी सामर्थ्य रहित बाहरी स्वरूप, प्रभु का बोझ, इज़राइल के अगुए जो पीछे लौट गए, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के गुण, परमेश्वर के सेवक और विवाह, परमेश्वर के सेवक और धन, अंत के दिनों में बचे हुए लोग, मसीह के अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले मलाकी परमेश्वर द्वारा इज़राइल को भेजा गया आखिरी नबी था। उसने मसीह के आने के लगभग 430 साल पहले नहमिया के समय के अंत में नबुवत की थी। मलाकी ने अध्याय 2 और 3 में जिन पापों का उल्लेख किया है वे नहमिया अध्याय 13 में दर्शाए गए पापों के ही समान हैं। ऐसा नहीं लगता कि यरूशलेम के यहूदियों पर नहमिया की चेतावनी का कोई खास असर हुआ था। नहमिया के यरूशलेम से चले जाने के बाद यहूदी फिर से अपनी पुरानी पापमय आदतों में लीन हो गए थे। मलाकी के दृश्य पटल पर आने तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। परमेश्वर के लोग आत्मिक रूप में बचे रहने के लिए हमेशा ईश्वरीय अगुओं पर निर्भर रहे हैं। प्रभु का बोझ, मलाकी इस शब्द का अर्थ है मेरा संदेशवाहक। अन्य नबियों की तरह मलाकी का भी एक बोझ था। हर एक नबी का परमेश्वर द्वारा उसे दिया गया एक अनोखा बोझ था, लेकिन सामान्यतः उन सभी की चिंता परमेश्वर के लोगों में पाई जाने वाली पवित्रता की कमी थी। जो बोझ परमेश्वर आपके हृदय पर डालता है वह लगभग हमेशा ही उस सेवकाई की ओर संकेत करता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी होती है। इसलिए परमेश्वर से एक बोझ पाने की बाट जोहते रहे। अगर आप एक बोझ बिना परमेश्वर की सेवा करेंगे तो कुछ समय बाद आप प्रभु के काम से उब जाएंगे, और फिर इस बात की पूरी संभावना है कि आप धन, मनुष्यों के सम्मान और पृथ्वी की सुख सुविधा के खोजी हो जाएंगे। ये एक अफसोस की बात है कि आज प्रभु की सेवा का दावा करने वाले बहुत से लोगों के पास उनकी सेवकाई में परमेश्वर से कोई बोझ नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बच्चों के बीच सेवकाई करने का और दूसरे को सुसमाचार प्रचार करने का बोझ दे सकता है, और एक अन्य व्यक्ति को परमेश्वर के लोगों को सिखाने का बोझ दिया जा सकता है। परमेश्वर मसीह की देह के विभिन्न अंगों को अलग अलग बोझ देता है। हमें किसी दूसरे की सेवकाई की नकल नहीं करनी चाहिए और न ही उसका बोझ ले लेने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको भी दूसरों को आपका बोझ लेने के लिए भी मजबूर नहीं करना चाहिए, और किसी को ये अनुमति न दे कि वह उसका बोझ आपको दे दे। परमेश्वर स्वयं आपको एक बोझ दे, वह बोझ जिसकी योजना उसने आपके लिए बनाई है। ज्यादातर लोगों ने मुझसे खास उनकी सेवकाई का बोझ ले लेने का आग्रह किया है, जो अक्सर सुसमाचार प्रचार ही होता है, लेकिन मैंने हमेशा ऐसे दबाव का विरोध ही किया है। परमेश्वर द्वारा किसी दूसरे को दिए गए बोझ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे एक खास बोझ दिया है और मैं सिर्फ उसी सेवकाई को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। परमेश्वर ने जो बोझ और सेवकाई नबियों को दी थी, उन्होंने किसी के दबाव में आकर उसे कभी नहीं छोड़ा था। अगर आपका कोई बोझ नहीं है तो आपको परमेश्वर के पास जाकर अपने लिए एक बोझ मांगना चाहिए। आपके लिए उसके पास एक खास काम है जिसे आपको मसीह की देह में पूरा करना है,
और आपको ये मालूम होना चाहिए कि वह क्या है। बहुत से प्रचारक एक सेवकाई में से दूसरी सेवकाई में भटकते रहते हैं और जो मसीही संस्था उन्हें ज्यादा वेतन देती है वे उसके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे वे रेडियो सेवकाई के सतही बोझ के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के बीच सुसमाचार प्रचार करने वाली कोई संस्था उन्हें ज्यादा वेतन प्रस्तावित करे तो उनमें अचानक बच्चों के बीच सुसमाचार प्रचार करने का बोझ आ जाता है। फिर अगर कुछ समय बाद एक मसीही साहित्य संस्था उन्हें ज्यादा वेतन प्रस्तावित करती है तो उनमें अचानक साहित्य सेवकाई के लिए बोझ पैदा हो जाता है। ऐसे प्रचारक प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये धार्मिक लोग हैं जो बेबीलोनी व्यापार के कामों में लगे हुए हैं। जब परमेश्वर आपको कोई बोझ देता है तो आप सिर्फ इस वजह से उसे नहीं छोड़ देंगे क्योंकि किसी संस्था ने आपको पृथ्वी के सबसे ज्यादा लाभ देने की बात की है। यह परमेश्वर की अपने लोगों के खिलाफ एक शिकायत है। मैंने तुमसे प्रेम किया है, लेकिन तुम कहते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। 1:2 हम मलाकी की नबुवत में ये पाते हैं कि परमेश्वर ने जब भी अपने लोगों से कुछ कहा तो उन्होंने उससे पलट कर सवाल किया, जैसा हम यहाँ देखते हैं, और उन्होंने ऐसा 7 बार किया। यहाँ उन्होंने परमेश्वर के प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। हमें गिराने के लिए ये शैतान का तरीका होता है। जब शैतान ने हव्वा को भरमाया तब उसने सबसे पहले उसके मन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति संदेह डाला। उस परीक्षा में ये संकेत था, असल में परमेश्वर तुझसे प्रेम ही नहीं करता है। अगर वह तुझसे प्रेम करता तो क्या वह तुझे ये मन भावन मनमोहक फल न खाने देता। इससे हव्वा के मन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगी, शायद परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, और फिर वह आसानी से पाप में गिर गई। जब प्रभु ने पत्रस के लिए प्रार्थना की तो उसने कहा, शैतान ने तुझे गेहूं की तरह फटकने के लिए मांग लिया है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला न जाए। लूका 22:31-32। प्रभु ने ये प्रार्थना की कि पत्रस के पाप की गहराइयों में गिर जाने के बाद भी, प्रभु का 3 बार इनकार करने के बाद भी वह इस बात पर विश्वास रखे कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। ये विश्वास है और यही है जो उस उड़ाऊ पुत्र में था। अपना जीवन बर्बाद करने और अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसमें एक बात का विश्वास था कि उसका पिता उसे प्रेम करता है। शायद आपने भी अपना जीवन बर्बाद कर लिया हो। अगर ऐसा है तो याद रखे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस सच्चाई पर से अपना भरोसा कभी न टूटने दे। जब आपने संसार में अपना सब कुछ खो दिया हो तब भी इस कभी न बदलने वाले सच को थामे रखना कि परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करता है। जीवन में याद रखने वाली ये सबसे जरूरी बात है। 1:2-5 में परमेश्वर अपने उस सार्वभौमिकता में कहता है जिसमें उसने याकूब को चुना, मैंने तुम्हारे पूर्वज याकूब से प्रेम करने द्वारा अपना प्रेम तुम पर प्रकट किया है। क्या एसाव याकूब का भाई न था? फिर भी
मैंने एसाव को अस्वीकार किया, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हम ये कैसे जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? सबसे पहले तो ये कि उसने मसीह को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजा। उसने संसार के करोड़ों लोगों में से हमें चुना कि हम जीवन का मार्ग पाने वाले थोड़े से लोगों में गिने जाए। उसने हमें ही क्यों चुना? क्या इसलिए क्योंकि हम दूसरों से ज्यादा धर्मी हैं? नहीं, हम सभी के ऐसे सांसारिक, अपरिवर्तित, अविश्वासी मित्र और संबंधी हैं, जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया है। और अगर मानवीय रीति से देखा जाए तो वे हम जो थे उससे बेहतर लोग हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि हमने ये पहचान लिया था कि हम पापी हैं। यीशु धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया था। परमेश्वर ने जब हमें नाली में से निकाला, तब हम नाली के कीड़े समान एक पापी थे। परमेश्वर के प्रेम का ये एक और ऐसा सबूत है जो हमें सदा याद रखना चाहिए। इस बात को कभी न भूले कि संसार के करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुना है, और इस सारी सृष्टि की रचना करने से पहले उसने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। वह उसकी सार्वभौमिकता में किया गया फैसला था। रोमियो 9:11-13 में लिखा है, हालांकि अब तक न तो जुड़वा जन्मे थे और न ही कुछ भला बुरा हुआ था, फिर भी उसे रिबका को परमेश्वर से संदेश मिला। ये संदेश ये साबित करता है कि परमेश्वर हमारे अच्छे या बुरे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी योजना के अनुसार चुनाव करता है। उससे कहा गया, तेरे बड़े पुत्र के वंशज तेरे छोटे पुत्र के वंशजों के सेवक होंगे। पवित्र शास्त्र में ये बात इस तरह लिखी गई, मैंने याकूब से प्रेम लेकिन एसाव से बैर किया, यानी एसाव को अप्रिय जाना। हमें चुनने के मामले में हम यहाँ प्रभु की सार्वभौमिकता को देखते हैं। इसका भले कामों से कोई संबंध नहीं है। और अगर आपके अंदर ये विचार हो कि आपने प्रभु को पहले चुना है, तो वो भी सच नहीं है। यूहन्ना 15:16 में यीशु ने स्पष्ट कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। ये कभी न भूले। इज़राइल के भटके हुए अगुए 1:6 में हम पढ़ते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर याजकों से ये पूछता है। या फिर ध्यान दे कि प्रभु पहले अगुओं से बात करता है। इज़राइल के पूरे इतिहास में हमेशा उसके अगुओं ने ही उनसे पाप कराया है, और कलीसिया के 2000 साल के इतिहास में भी उसके अगुओं ने ही कलीसिया को समझौते और सांसारिकता में पहुंचाया है। पुरानी वाचा में समय के अंतरालों में परमेश्वर इज़राइल के अगुओं से बात करने के लिए अपने नबियों को भेजता रहता था। नबी उन्हें उनकी निष्फलताएं दिखाता था, और लगभग हमेशा ही अगुए उससे घृणा करते थे, उसे सताते थे और उसे आम लोगों के बीच प्रचार नहीं करने देते थे। वे उसे एक झूठा नबी घोषित करके अस्वीकार कर देते थे। लेकिन नबियों ने कभी किसी मनुष्य के मत की परवाह नहीं की थी, क्योंकि परमेश्वर की सम्मति उनके साथ थी। और सच्चे नबी झूठे नबियों की तरह किसी का धन भी नहीं चाहते थे। सच्चे नबियों ने उनके संदेशों से अगुए अपमानित
या नाराज हुए तो भी सच्चे नबियों ने सत्य घोषित किया। कलीसिया के इतिहास की भी यही कहानी रही है। मसीही जगत के बहुत से अगुए तो परमेश्वर को ही नहीं जानते, और ये एक निश्चित बात है कि उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि परमेश्वर की ओर से आने वाला एक नबुवत का वचन कैसे बोला जाता है। इसलिए अंधे लोगों के अंधे अगुए अपनी कलीसिया को समझौते और सांसारिकता के गड्ढों में पहुंचा देते हैं। लेकिन प्राचीन समयों की तरह इन कलीसियाओं में नबुवत के एक शब्द का प्रचार करने के लिए परमेश्वर बीच बीच में एक नबी खड़ा करता है, और हमेशा ही कलीसियाई अगुओं ने ऐसे नबी को अस्वीकार ही किया है। ये अगुए परमेश्वर के ऐसे जन को अपने लिए एक खतरा मानते हैं। परमेश्वर ने याजकों और अगुओं से जो कहा वो मुख्यतः यही था, एक पुत्र अपने पिता का आदर करता है और एक सेवक अपने स्वामी का भय मानता है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तब मेरा आदर कहाँ है? तुमने तो मेरे नाम को तुच्छ जाना है। तुम मुझसे ज्यादा अपनी सभाओं में धनवानों का सम्मान करते हो। तुम्हें मेरे वचन की कोई परवाह नहीं है। तुम सिर्फ उन धनवान लोगों को प्रसन्न करना और उनका धन प्राप्त करना चाहते हो। तुम मेरा आदर कहाँ करते हो? क्या मैं वास्तव में तुम्हारा पिता हूँ? क्या मैं वास्तव में तुम्हारा स्वामी हूँ? तुमने मेरे लिए कैसे बलिदान चढ़ाए हैं? तुमने मेरे लिए अशुद्ध बलिया चढ़ाई है। पहला अध्याय 6-8। ये अगुए अपने लिए तो लोगों से आदर पाना चाहते थे, लेकिन ये स्वयं परमेश्वर का आदर नहीं करते थे। वे लोगों को अपने अधिकार में रखना चाहते थे, लेकिन वे प्रभु को उनके खुद के ऊपर कोई अधिकार नहीं देते थे। एक रोमी सूबेदार ने एक बार यीशु से कहा, मैं भी शासन के अधीन और मेरे अधीन भी सैनिक है। मैं एक से कहता हूँ आ, तो वह आता है, और दूसरे से कहता हूँ जा, तो वह जाता है। लूका 7:8। अधिकार पाने के लिए हमें अधीनता में रहना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर करें, तो पहले हमें परमेश्वर का आदर करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके अधीन रहे, तो पहले स्वयं आपको मसीह के अधीन रहना होगा। प्रभु अपने लोगों से यहाँ यही कह रहा था, जब तुम मेरा आदर नहीं करते तो तुम अपनी पत्नियों से आदर कैसे पा सकते हो? क्या मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? तुम मेरा जितना सम्मान करते हो, तुम अपनी पत्नियों से उसी नाप में सम्मान पाने की अपेक्षा कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये कैसे कह सकेंगे कि आप परमेश्वर का आदर करते हैं? अगर तुम परमेश्वर को अशुद्ध बलिया चढ़ाते हो, तो तुम परमेश्वर का अपमान करते हो। 1:8। ये लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। ये बात कैसे प्रकट हुई थी? इसमें वे अंधे, लंगड़े और रोगी पशुओं को बलि के रूप में परमेश्वर को अर्पित कर रहे थे। पुरानी वाचा की व्यवस्था में यह स्पष्ट आदेश था कि बलि चढ़ाया जाने वाला हरेक पशु पूरी तरह निर्दोष होना चाहिए था, लेकिन ये यहूदी अच्छे पशु अपने लिए रख रहे थे और बुरे पशु
परमेश्वर के लिए बलि अर्पित करते थे। वे अपने झुंड में से सबसे बुरे पशु चुनकर परमेश्वर को दे रहे थे। क्या मसीही लोग आज ऐसा ही नहीं करते? ज्यादातर विश्वासी प्रभु को क्या देते हैं? वही जो उनके पास बच जाता है। वे सरकारी नौकरी से निवृत्त होने के बाद प्रभु की सेवा करने के लिए किसी मसीही संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन का उत्तम भाग तो पहले ही संसार में धन कमाने में लगा दिया है और अब वे अपने जीवन की बची हुई तलछट प्रभु को देना चाहते हैं। अपने निवृत्ति काल में कुछ और पैसा कमा लेना चाहते हैं। प्रभु कहता है, ये भेंट अपने शासक को देकर देखो कि वह तुमसे कितना खुश होता है। 1:8। जब आप पृथ्वी के किसी शासक गवर्नर को एक भेंट देते हैं, तो क्या उसके लिए अपने घर में रखी सबसे बुरी वस्तु चुनते हैं? मान लीजिए कि राज्य का राज्यपाल आपके घर चाय पीने के लिए आता है, तो क्या आप एक कप चाय बनाकर स्वयं ही पी लेंगे और राज्यपाल को कप में बची तलछट देंगे? नहीं, वह तो आप किसी भिखारी को भी नहीं देंगे। लेकिन ज्यादातर विश्वासी प्रभु को यही दे रहे हैं। वे अपने पूरे जीवन संसार के लिए जीते हैं और फिर अपने बचे कुचे जीवन प्रभु को देना चाहते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। प्रभु को अपना सर्वश्रेष्ठ दे, अपनी जवानी में ही उसे अपना जीवन दे दे। ज्यादातर विश्वासी अपने समय के साथ यही करते हैं। अपने जीवन का ज्यादातर समय अपनी ही दिलचस्पियों को पूरा करने में खर्च करने के बाद वे अपना थोड़ा सा समय प्रभु को देते हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं होता और आत्मिक रूप में ये गरीब होते हैं। आपके समझदारी का आप क्या करते हैं? क्या आप उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब तक आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ भाग परमेश्वर को देने द्वारा उसका आदर करना नहीं सीखते, तब तक आपके जीवन पर आप परमेश्वर के अभिषेक के आने की अपेक्षा हजार साल तक भी नहीं कर सकते। चाय का वह प्याला खुद हाथ लगाने से पहले उसे दे दे और प्रभु के संतुष्ट होने के बाद उसकी तलछट उसे आपको देने दे। हमें प्रतिदिन इस तरह जीना चाहिए। हमारे जीवन और समय का सर्वश्रेष्ठ भाग प्रभु के लिए हो। अपने जीवन पूरी तरह परमेश्वर को दे देने का अर्थ ये नहीं है कि आप पूर्णकालिक सेवक बन जाए। इसका अर्थ परमेश्वर को पहला स्थान देना है। फिर चाहे परमेश्वर ने आपको पूर्णकालिक सेवा के लिए बुलाया हो या ऐहिक काम के लिए। मलाकी के समय के यहूदी परमेश्वर को वह दे रहे थे जिसकी उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही थी। उन्हें आराधना करनी नहीं आती थी। आराधना करने का अर्थ है परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देना। मलाकी ने क्योंकि यहूदी युग के अंत में नबुवत की थी, इसलिए उनका संदेश हमारे समय के लिए है। परमेश्वर के लोगों के जैसे हालात उस समय काल में थे, वैसे ही हालात कलीसियाई युग के अंत में भी है। आज कलीसियाओं में ऐसे नबियों की जरूरत है जो मलाकी के संदेश के साथ आ सके और लोगों को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सके।
लेकिन पूरे जगत में हर एक जगह मेरा नाम महान होगा और मेरे नाम के लिए शुद्ध अन्न बलि चढ़ाई जाएगी। 1:11। परमेश्वर की आज ये इच्छा है जगत के हर एक कोने में और पूर्व से पश्चिम तक वो ज्यादा दान ऑफरिंग पाने की खोज में नहीं है, बल्कि वह भारत के हर एक कोने में से शुद्ध दान चाहता है। अगर पुरानी वाचा की भाषा में कहे तो एक बड़ा बैल किस काम का है अगर वह बीमार है, चाहे वह छोटा सा मेमना ही हो, लेकिन वह स्वस्थ और दोष रहित हो, एक निर्दोष बलि हो। उन दिनों परमेश्वर आकार और वजन को नहीं बल्कि गुणवत्ता को देखता था, और आज भी वह एक बड़ी कलीसिया नहीं शुद्ध कलीसिया चाहता है। इसलिए अगर आप एक कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि वह शुद्ध हो, चाहे उसका आकार जो भी हो। सांसारिक सोच समझ के तौर तरीके ज्यादातर मसीही लोगों को शुद्धता से नहीं पर बड़ी संख्या से प्रभावित होने वाला बना देते हैं। हम अवश्य ही ये चाहते हैं कि लाखों करोड़ों लोग प्रभु के पास आ जाए, लेकिन वे सब शिष्य होने चाहिए, ऐसे लोग नहीं जिन्होंने एक निर्णय पत्र पर हस्ताक्षर किया हो या एक सुसमाचारीय सभा में अपना हाथ ऊपर उठाया हो। एक बड़े और बीमार बैल की बजाय प्रभु एक छोटी लेकिन स्वस्थ पिंडू की ही लेना चाहेगा। हम पद 1:14 में श्रापित शब्द पाते हैं। इस शब्द का मलाकी की पुस्तक में 7 बार उल्लेख किया गया है और ये इस पुस्तक का आखिरी शब्द है, पुरानी वाचा का आखिरी शब्द है। लेकिन वाक्यांश सेनाओं का प्रभु परमेश्वर का उल्लेख 24 बार हुआ है। हम जिस प्रभु की सेवा करते हैं वह स्वर्ग और पृथ्वी का शासक है, और जब हम मसीही अगुओं में समझौता और सांसारिकता देखते हैं तो हम निरुत्साहित और निराश हो सकते हैं, और तब हम बड़ी आसानी से संसार में लौट सकते हैं और विश्वास से भटक सकते हैं। मसीही सेवकों, मसीही कलीसियाओं और मसीही संस्थाओं ने मुझे बहुत बार बहुत ज्यादा निराश किया है, लेकिन इससे मेरी ये इच्छा कभी नहीं बदली कि मैं अपने जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहकर प्रभु की सेवा करता रहूं। मेरा काम यह दूसरों का न्याय करना नहीं है, मैंने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पित करने का फैसला किया हुआ है। अध्याय 2:1-3 में मलाकी का संदेश फिर से याजकों के लिए है। ये मानो ऐसा कहना था, मैं मंडली से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मंच पर बैठे अगुओं से बात कर रहा हूँ। प्रभु कहता है, ये बात अपने मन में समझ लो कि अगर तुम मेरे नाम का आदर न करोगे तो मैं तुम पर भयानक श्राप भेजूंगा, मैं तुम्हारी आशीषों को भी श्रापित कर दूंगा, और मैंने उन्हें श्रापित कर भी दिया है क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया है। मैं तुम्हारे वंशजों को ताड़ना दूंगा और तुम्हारे यज्ञ पशुओं का गोबर तुम्हारे मुंह पर फैलाऊंगा और तुम्हें भी उठाकर उसी गोबर के ढेर में फेंक दूंगा। ये नबी ऐसे सौम्य और शालीन प्रचारक नहीं थे जो सजे हुए पुलपिटों के पीछे खड़े होकर लोगों को खुश करने वाली अच्छी बातें बोलते थे, वे कठोर शब्द बोलते थे। आपको कैसा लगेगा अगर कोई प्रचारक आकर
आपसे कहे कि मैं तुम्हारे मुंह पर गोबर पोत दूंगा। ये नबी इसलिए इतनी कठोरता से बोलते थे क्योंकि इज़राइल में सब कुछ बुरी तरह बिगड़ चुका था। व्यक्तिगत बातचीत में सभ्य, सौम्य और कोमल होना ठीक है, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन बोलने के लिए खड़े हो तो आपको एक सिंह होना चाहिए। आपको पुलपिट में एक सिंह और उसके बाहर एक मेमना होना चाहिए। मैं सभी प्रचारकों को ऐसा ही होने की सलाह दूंगा। यीशु ऐसा ही था, उसने कठोर शब्द बोले और फिर मलाकी ने कहा, तब तुम जान लोगे कि परमेश्वर ने मुझे चेतावनी का ये शब्द देकर भेजा है। 2:4 परमेश्वर के सच्चे सेवकों के गुण। अध्याय 2:5-6 में मलाकी ने अपने समय के लेवियों की तुलना पिछले समय के लेवियों से की, और आज प्रभु हमें याद दिलाता है कि पहले प्रेरित कैसे थे और कैसे वह सब छोड़कर प्रभु के पीछे चल दिए थे। वह हमसे कहता है, अपनी तुलना उनके साथ करो। प्रभु कहता है, लेवियों के साथ मेरी वाचा का उद्देश्य जीवन और शांति देना था। मैंने उन्हें यही दिया था और ये इसलिए था कि वह मेरा भय मानता रहे, और उसने मेरा बड़ा भय माना। पद 5-6 में उन 7 गुणों पर ध्यान दे जो पुराने लेवियों की विशिष्टता थी। ऐसी विशिष्टताएं जो परमेश्वर के हर एक सेवक में होनी चाहिए। 1, उनमें परमेश्वर का भय था। परमेश्वर का भय बुद्धि का क ख ग यानी ABC है। 2, उनमें परमेश्वर के नाम के लिए जलन थी। हमारे प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारे अंदर ये बड़ी लालसा होनी चाहिए कि हमारे देश में प्रभु बड़ा आदर और सम्मान पाए। 3, वे परमेश्वर के पूरे सत्य का प्रचार करते थे। बहुत से प्रचारक परमेश्वर के पूरे परामर्श का प्रचार नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने से वे अपनी लोकप्रियता खो देंगे, इसलिए वे समझौता करने वाले हो जाएंगे। मुझे एक बार एक सभा में बोलने के लिए बुलाया गया जहां सिर्फ मुझे ही बोलना था। सभाओं के शुरू होने के एक सप्ताह पहले आयोजकों ने एक पत्र द्वारा मुझसे ये निवेदन किया कि मैं किसी भी सभा में पानी के बपतिस्मा के बारे में कुछ न बोलूं, क्योंकि इससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। मैंने उन्हें जवाब देते हुए लिख दिया कि तब तो उन्हें कोई दूसरा प्रचारक ढूंढना पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा कोई आमंत्रण स्वीकार नहीं करता जिसमें मुझसे ये कहा जाए कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। प्रभु का सेवक होते हुए मुझे वही बोलना पड़ेगा जिसका बोझ प्रभु मेरे हृदय पर डालेगा। 4, वे पाप से घृणा करते थे। वे न झूठ बोलते थे और न बेईमानी करते थे। उनके हृदयों में पाप के लिए घृणा थी। 5, वे परमेश्वर के संग संग चलते थे। वे प्रतिदिन इस बात की निगरानी करते थे कि उनकी परमेश्वर के साथ चाल कैसी है। 6, वे खराई से रहते थे। अपने जीवन की हर एक बात में, अपने रुपए पैसों के लेन देन में, अपने आचरण में, आदि चीजों में वे बिना छल कपट किए खराई से चलते थे। 7, वे दूसरे बहुत से लोगों को पाप से मोड़ लाते थे। इन दो पदों में हमें एक सच्चे प्रचारक के आदर्श जीवन का
एक सुंदर चित्र नजर आता है। याजक के होंठ ज्ञान की रक्षा करने वाले होने चाहिए और लोगों को शिक्षा पाने के लिए उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि वे परमेश्वर के दूत हैं। 2:7 हमें पहले प्रभु के पास जाकर उससे वचन प्राप्त करना चाहिए और फिर केवल तभी लोगों के पास जाकर उन्हें उसका वचन देना चाहिए। एक दूत के मुख में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। लेकिन उन लेवियों ने आज के बहुत से लोगों की तरह परमेश्वर के मार्गों को त्याग दिया था, उसकी वाचा को भ्रष्ट कर दिया था और अपने प्रचारों से लोगों को ठोकर खिलाई थी। 2:8-9 परमेश्वर के सेवक और विवाह। 2:11 में मलाकी लोगों को अविश्वासियों से विवाह करने और फिर प्रभु के सम्मुख भेंट लाने के लिए ताड़ना देता है। परमेश्वर के एक सेवक का एक ईश्वरीय घर होना चाहिए। ये हो सकता है कि उसकी पत्नी ईश्वरीय भक्ति भाव वाली न हो। बीती सदियों में परमेश्वर के बहुत से सेवकों की अय्यूब की तरह भक्तिहीन पत्नी आ रही है, लेकिन उनके लिए ये बात एक ईश्वरीय पति बनने में बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो अपने लिए एक पत्नी का चुनाव करने के मामले में सचेत रहे। प्रभु से पूछे कि वह आपको दिखाए कि आप जिस लड़की के बारे में सोच रहे हैं उसकी भी आपके साथ साथ उसी रास्ते पर चलने में दिलचस्पी है या नहीं। और कभी किसी से सिर्फ इसलिए विवाह न करे क्योंकि उसका रूप सुंदर मनोहर है। यहूदा के लोगों ने मूर्ति पूजक स्त्रियों से शायद इसलिए विवाह कर लिए थे क्योंकि वे दिखने में सुंदर थी। 2:11 अगर आपने किसी ऐसी स्त्री से विवाह कर लिया है जो धन से प्रेम करती है या जो कंजूस है, तो आपने एक मूर्ति पूजक से विवाह कर लिया है। फिर जब आपको प्रभु के काम के लिए पैसा देना होगा तो वह आपको अपनी पत्नी को बताए बिना ही छुपा कर देना पड़ेगा। अगर आप किसी की गुप्त रूप में मदद करना चाहेंगे तो वह भी आपको पत्नी से छुपा कर करना होगा। इसलिए विवाह करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके जीवन का उद्देश्य एक ही हो और वह भी आपकी तरह ही प्रभु से प्रेम करने वाली हो। और एक बार जब आपका विवाह हो जाए तो अपनी पत्नी के प्रति पूरे विश्वास योग्य रहे, फिर चाहे वह आत्मिक हो या न हो। यहाँ ये लोग उपवास करते थे, विलाप करते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन वे अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात कर रहे थे। वे अपनी सारी धार्मिक गतिविधियों की वजह से बाहरी तौर पर बड़े धार्मिक नजर आते थे, लेकिन परमेश्वर जो उनके निजी जीवनों को देख रहा था उनकी किसी प्रार्थना को नहीं सुन रहा था। किसी ने ये कहा है कि हमें ज्यादा प्रार्थना की नहीं बल्कि जवाब वाली प्रार्थना की जरूरत है। बाल के नबियों ने घंटों तक प्रार्थना की थी जबकि एलिया ने सिर्फ 1 मिनट प्रार्थना की थी। पहले मामले में बहुत प्रार्थना हुई थी, दूसरे मामले में जवाब लाने वाली प्रार्थना हुई थी। प्रार्थना और उपवास द्वारा संतोष पा लेना और उसमें घमंड कर लेना भी आसान होता है। बहुत लोग परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को हृदय की शुद्धता के अनुसार नहीं बल्कि प्रार्थना में बिताए घंटों के अनुसार नापते हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। एक ऐसी लड़की के बारे में सोचे
जो एक लड़के से गहरा प्रेम करने का दावा करती है, फिर भी उसके साथ समय व्यतीत करते समय वो लगातार घड़ी देखती रहती है और एक घंटा पूरा होते ही वह कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वह उस व्यक्ति से बिल्कुल प्रेम नहीं करती है। अगर वह उससे वास्तव में प्रेम करती हो तो वह कहती, समय से क्या लेना देना है, मैं अपने प्रियतम के पास हूँ। हमारे प्रिय प्रभु के साथ समय बिताना भी ऐसा ही होता है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो उससे बात करते समय आपकी नजर घड़ी पर न होगी। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं किया है। परमेश्वर के साथ की जाने वाली संगति एक प्रेम की संगति है। मलाकी ने लोगों से कहा, प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है, क्योंकि तुम्हारी पत्नियों के विरुद्ध उसने तुम्हारे विश्वासघात को देखा है। जो प्रतिज्ञा तुमने उससे की थी, तुम उसमें विश्वास योग्य नहीं रहे हो। 2:14। प्रचारक बड़े खतरे में रहते हैं, क्योंकि वे अपना बहुत समय पुलपिट में खड़े रहते हुए बिताते हैं और कुछ खास तरह की स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित हो सकती है। ये स्त्रियां आत्मिक नहीं, धार्मिक होती है। एक ऐसी स्त्री प्रचारक के पास आकर बड़ी अदा से उससे कह सकती है, भाई मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वह सिर्फ प्रचारक के नजदीक आना चाहती है। अनेक जगहों में मेरा प्रचार पूरा होने के बाद बहुत बार ऐसी स्त्रियां मेरे पास आई है और प्रभु ने मुझे इस बारे में सचेत किया है, अब तू संभल कर चलना, ये वही पुराना सर्प है। इसलिए अगर वह स्त्री विवाहित होती है तो मैं उससे कहता हूँ, बहन आप ये प्रश्न घर में अपने पति से पूछे। लेकिन उनका जवाब होता है, लेकिन वह एक आत्मिक मनुष्य नहीं है, वह खुद भी ये नहीं जानती कि वह स्वयं भी आत्मिक नहीं है, सिर्फ धार्मिक है। फिर मैं उससे कहता हूँ, अगर वे आत्मिक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी उन्हीं से पूछे, क्योंकि बाइबल कहती है स्त्रियां घर में अपने पति से पूछे। 1 कुरिन्थियों 14:34-35। और अगर वह आपके सवाल का जवाब न दे सके तो उनसे कहना कि वे मुझसे आके मिले और मैं आपके पति को समझा दूंगा। ऐसा जवाब सुनकर ज्यादातर स्त्रियां नाराज हो जाती है और फिर वे मुझे कभी परेशान नहीं करती। आप अपने आप को बचाए रखना चाहते हो तो इस उदाहरण के अनुसार करें। लेकिन कुछ प्रचारकों को असल में ये अच्छा लगता है कि सुंदर स्त्रियां उनके सिर हिलाती और आंखें मटकाती हुई उनके पास आए और उनसे सवाल करे। आखिर में ऐसे प्रचारक ही पाप में गिरते हैं। अगर आप गिरने से बचना चाहते हैं तो ऐसी स्त्रियों को अपने से दूर रखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्त्रियों से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन चंचल स्त्रियों से सचेत रहे। ये देखे कि एक स्त्री ने कपड़े कैसे पहने हैं, वह अपना सिर और आंखें कैसे हिलाती है, और तब आप चंचल किस्म की स्त्रियों को आसानी से पहचान सकेंगे। आप दूसरी स्त्रियों के साथ अपने बात करने के तरीके द्वारा भी अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आप एक स्त्री की देह को छुए बिना ही उसके साथ अपने हृदय में व्यभिचार कर सकते हैं। इन दिनों स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हुए कार्यालयों में साथ साथ काम करते हैं। इस सवाल द्वारा अपने आप को परख कर देखें। अगर आपकी पत्नी
अचानक आपके कार्यालय में आ जाए तो क्या उस दूसरी स्त्री के साथ चल रहा आपका हंसी मजाक अचानक बंद हो जाएगा? अगर हाँ तो आपकी बातचीत में कुछ अशुद्धता हो सकती है। आज सारे जगत में टीवी, वीडियो, अश्लील मूवीज और सिनेमा के पोस्टरों द्वारा बहुत सी अशुद्धता भरी है, और अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो वह बुराई हमारे सोच विचार दिल दिमाग में भर सकती है। इन दिनों में अगर आप परमेश्वर के सेवक होना चाहते हैं तो ऐसे सभी प्रलोभनों से दूर रहे और अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर ने वह आपको इसलिए दी है कि आप परीक्षा में पढ़ने से बचे रहे। 1 कुरिन्थियों 7:1-2। यहाँ पत्नी को तेरी जवानी की पत्नी कहा गया है। 2:14। इसका अर्थ है कि जब आपकी पत्नी बूढ़ी और सफेद बाल वाली हो जाए तब भी आपको वैसी ही जवान और आकर्षक नजर आए जैसी वह पहले थी। मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही देखता हूँ। मेरी पत्नी के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन मैं उसे आज भी वैसे ही देखता हूँ जैसी वह हमारे विवाह के दिन थी, और वह मेरी नजर में आज भी वैसी ही सुंदर और आकर्षक है। अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहे। अपने विवाह की प्रतिज्ञाएं न तोड़े। अगर आप फिसल कर कहीं गिर गए हैं, तो गहरे पश्चाताप के साथ प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे पास लौटना चाहता हूँ। मैं तेरे और अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से विश्वास योग्य रहना चाहता हूँ। प्रभु कहता है कि वह तलाक से घृणा करता है। 2:16। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुसमाचारीय मसीहत में भी तलाक का घिनौना काम शुरू हो चुका है, खास तौर पर पश्चिमी देशों में, और एक दुखद रूप में बहुत सी कलीसियाएं इसका समर्थन कर रही है। उनके बहुत से पास्टरों ने भी अपनी पत्नियों को तलाक देकर दूसरे विवाह कर लिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तलाक लिए हुए और दोबारा विवाह किए हुए लोगों को अस्वीकार कर दिया जाए। उस समय हो सकता है कि उन्होंने मन न फिराया हो और वे अंधकार में हो, लेकिन अब हमें उन्हें यीशु के शिष्य बनाना है। लेकिन जब कलीसिया ही तलाक लिए हुए लोगों के विवाह संपन्न कराने लगेगी तो फिर वही उन्हें पाप में और मसीह की शिक्षाओं को तोड़ने की दिशा में ले जा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे भ्रष्ट करने वाले प्रभाव अब भारत की कलीसियाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। मैं विवाह के एक तन के क्रूरता से काटे जाने से घृणा करता हूँ। 2:16। MSG। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सेवक होंगे तो भी तलाक से घृणा करेंगे और सब जगह ये प्रचार करेंगे कि परमेश्वर तलाक से घृणा करता है। एक व्यक्ति अगर अपनी पत्नी के साथ समझदारी से नहीं रहेगा तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। 1 पत्रस 3:7। भारत में ज्यादातर पति अपनी पत्नियों का सम्मान नहीं करते। वे अपनी पत्नियों को जीवन की कृपा में सह उत्तराधिकारी नहीं मानते। इसका एक प्रमाण यह है कि वे उनके साथ आत्मिक मामले के बारे में कोई बात नहीं करते और उनके साथ प्रार्थना भी नहीं करते। वे ज्यादातर सिर्फ दूसरे भाइयों के साथ मिलकर ही प्रार्थना करते हैं। आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, ये भी बहुत जरूरी बात होती है। प्रभु ने आपको आपकी पत्नी के साथ
क्यों जोड़ा है? क्या परमेश्वर ने आपकी पत्नी के साथ आपको एक देह और एक आत्मा नहीं किया है? इसमें उसका उद्देश्य क्या था? यही कि आपके ऐसे बच्चे हो जो वास्तव में परमेश्वर के लोग हो। 2:15 TEV। बच्चे पैदा करना आसान काम है, लेकिन उन्हें ईश्वरीय पुरुष और स्त्री के रूप में तैयार करना एक जीवन भर चलने वाला काम है। इसलिए अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहे और उसके साथ मिलकर एक ईश्वरीय परिवार तैयार करें। अपने बच्चों की परवरिश एक ईश्वरीय तरीके से करने में मदद पाने के लिए सच्चे हृदय से परमेश्वर की खोज करें। बहुत सालों तक अनेक प्रचारकों के बच्चों को भटकते हुए देखने के बाद मुझमें ऐसे प्रचारकों के लिए सम्मान की भावना बहुत बढ़ गई है जिन्होंने अपने बच्चों को एक ईश्वरीय तरीके में पाला पोसा है। ईश्वरीय बच्चे एक ईश्वर विहीन युग में बड़ी जबरदस्त साक्षी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रचारकों के बच्चों को प्रचारक ही होना चाहिए। प्रचारक होने की बुलाहट परमेश्वर के पास से आती है और कोई मनुष्य अपने बच्चों को उस बुलाहट में नहीं बुला सकता। परमेश्वर स्वयं ही उन्हें बुलाता है। लेकिन मैं एक मसीह समान चरित्र के होने की बात कर रहा हूँ। हमारा चरित्र हमारी सेवकाई से लाख गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज बहुत से प्रचारक अपने बच्चों को सेवकाई में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में हमें ऐसा कहीं नजर नहीं आता। अगर बच्चे अभिषिक्त हैं और परमेश्वर द्वारा बुलाए हुए हैं, तब तो सही है, वरना ये सही नहीं है। 3:1 में प्रभु कहता है, देखो मैं अपने दूत को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजता हूँ और वह मेरे आगे आगे मार्ग सुधारेगा, और प्रभु मसीह जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, और वाचा का वह दूत जिससे तुम प्रसन्न होते हो, देखो वह आता है। ये नबुवत आगे कहती है कि प्रभु अपने मंदिर कलीसिया में सबको शुद्ध करने के लिए एक प्रचंड आग के रूप में आएगा। लोगों को शुद्ध करने के लिए वह बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें एक लंबा समय लगेगा। 3:3 जो काम जल्दी से पूरा होने वाला होता है उसे हम खड़े खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस काम में समय लगना होता है उसे करने के लिए हम बैठ जाते हैं। प्रभु हमें तब तक शुद्ध करता है जब तक हमारे अंदर से पाप और सांसारिकता का सारा मैल जल नहीं जाता। प्रभु अपने सेवकों को ऐसे सोने की तरह शुद्ध करता है और वह इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक उस सोने की शुद्धता की चमक में उसके चेहरे की झलक नजर आने लगे, जब तक हम मसीह समान बनने लगे, दिखने लगे, तब तक हमें शुद्ध होते रहना है। ये जीवन भर चलने वाला काम है। 1 यूहन्ना 3:3 में हमें बताया गया है कि ऐसा हर एक व्यक्ति जो मसीह के दोबारा लौटने की आशा कर रहा है वह स्वयं को वैसा ही पवित्र करता है जैसा स्वयं मसीह पवित्र है। हमारी बुलाहट ये है कि प्रभु जब हमारी सारी अशुद्धता दूर करने के लिए हमें आग की भट्टी में डाले तो हम उसके साथ सहयोग करें। ये आग हमारे मुश्किल हालातों, परीक्षाओं, बीमारियों और शरीर में चुभने वाले उन कांटों द्वारा तैयार होती है जो प्रभु से अनुमति पाकर शैतान हमें चुभाता रहता है।
धन के प्रेम रूपी मैल से हमें शुद्ध करने के लिए प्रभु हमें धन संपत्ति के नुकसान में से गुजरने दे सकता है। वह हमें मनुष्यों के सम्मान रूपी मैल से शुद्ध करने के लिए वह लोगों को हम पर झूठे दोष लगाने और हमारे सिरों पर चढ़ जाने की अनुमति दे सकता है। उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में हम मसीह समान बन जाए। हम सिर्फ तभी उसे एक शुद्ध बलि चढ़ा सकते हैं अगर आप प्रभु को ये अनुमति देंगे कि वह आपको परख, सताव, क्लेश, परीक्षा, गलत फहमी, झूठे आरोपों आदि की आग में से लेकर चले और इन सभी में आपका प्रत्युत्तर परमेश्वर के अधीन रहना और अपने सताने वालों से प्रेम करना हो, तो आप ऐसे शुद्ध हो जाएंगे कि जब परमेश्वर दूसरों के लिए आपको वचन देगा तो आपके शब्दों में एक भरपूर अभिषेक होगा और आपकी सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ होगी। तब आप सिर्फ वह नहीं दोहरा रहे होंगे जो आपने दूसरों को प्रचार करते हुए सुना होगा। आपके शब्द आपके जीवन में से आएंगे। परमेश्वर हम सब के लिए ऐसी सेवकाई चाहता है। यही वह पवित्र बलि है जो वह चाहता है। मैं परमेश्वर हूँ जो बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम अब तक नाश नहीं हुए। 3:6 ये पद पुरानी वाचा के अंत में ऐसे लोगों की गलत सोच को सही करने के लिए ही दिया गया है जो ये कल्पना करते हैं कि जिस परमेश्वर का वर्णन नई वाचा में है वो पुरानी वाचा के परमेश्वर से ज्यादा सौम्य है। ये बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए पुरानी वाचा के अंतिम पृष्ठ पर परमेश्वर इस बात पर जोर देता है कि वह कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वह आज भी पाप से उतनी ही घृणा करता है जितनी पुरानी वाचा के समय में करता था, और जैसी दया और करुणा वह आज करता है वैसी ही वह उस समय भी करता था। वह बदला नहीं है और वह कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर के सेवक और धन, प्रभु कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूट रहे हो। लेकिन तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ही ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूँ या नहीं। तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नाश नहीं करेगा और न ही तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे गिरेंगे। 3:8-11। क्या आप जानते हैं कि पेंतेकुस के दिन के बाद से, जब से नई वाचा लागू हुई है, एक बार भी दशमांश का उल्लेख नहीं किया गया है? नई वाचा में दशमांश के लिए कोई आज्ञा नहीं दी गई है। फिर भी बहुत से लालची पास्टर आज भी इसका प्रचार करते हैं और गरीब और अज्ञानी विश्वासियों का शोषण करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को दशमांश नहीं बल्कि देना सिखाया। हमें परमेश्वर को सबसे पहले क्या देना है? रोमियो 12:1 कहता है, भाइयों मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर
तुमसे आग्रह करता हूँ कि अपने शरीरों को दशमांश नहीं, जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को अर्पित कर दो। पुरानी वाचा में जिस तरह दशमांश देने पर जोर दिया गया था, वैसे ही नई वाचा में हमारे शरीर परमेश्वर को देने पर जोर दिया गया है। फसह के मेमने और विश्राम दिन की तरह दशमांश का उद्देश्य भी सिर्फ एक प्रतीकात्मक स्वरूप होना था। फसह का मेमना मसीह का प्रतीकात्मक स्वरूप था और विश्राम दिन वो भीतरी शांति है जो हमें मसीह देता है। पुरानी वाचा की ये सारी विधियां सिर्फ उन सब बातों की छाया मात्र है जो मसीह में पूरी होने वाली थी। जैसा कुलुसियो 2:16-17 पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। दशमांश के बारे में परमेश्वर ने कहा है, दशमांश का उद्देश्य ये है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। व्यवस्था विवरण 14:23 LB। पुरानी वाचा में वे ये प्रमाणित करने के लिए दशमांश देते थे कि परमेश्वर का उनके जीवन में प्रथम स्थान है। नई वाचा में हम अपनी देह परमेश्वर को देते हुए ये प्रमाणित करते हैं कि उसका हमारे जीवन में प्रथम स्थान है। हमारी देह को अर्पित करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हमारी आंखें परमेश्वर को दे देना कि हम फिर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल न कर सके। क्या ये आसान है? या अपनी आमदनी में से परमेश्वर को 10% देना आसान है? आप जानते हैं कि परमेश्वर को अपनी आमदनी में से 10% दे देना आसान है, लेकिन हर एक महीने के हर एक दिन अपनी आंख को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखना आसान नहीं है। यही वजह है कि प्रचारक आंखें शुद्ध रखने के बजाय दशमांश देने की बात ज्यादा सिखाते हैं। बहुत से पास्टर धन के प्रेमी हैं और वे यही चाहते हैं कि उनकी मंडलियां दशमांश दिया करें ताकि वे उस दशमांश से धनवान बनते जाएं। लेकिन क्योंकि नई वाचा में दशमांश के बारे में कहीं नहीं है, इसलिए वे मलाकी के इस भाग द्वारा अज्ञानी विश्वासियों को डरा कर उनसे हर महीने दशमांश वसूल करते रहते हैं। आरंभिक प्रेरित गरीब थे, जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों 4:9-12 में स्पष्ट देख सकते हैं। परमेश्वर ने हम प्रेरितों को जुलूस के अंत में रखा है। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और चिथड़ों में हैं। हमारे साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाता है और हम मारे मारे फिरते हैं। हम अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं। लेकिन अब इस गणित का विचार करें कि कैसा एक लोभी पास्टर धनवान बन जाता है। अगर 10 लोग उसे अपनी आमदनी का 10% देते हैं, तो उसे एक व्यक्ति की सामान्य आमदनी मिल जाती है, 10×10 यानी 100%। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन बड़े लोकप्रिय प्रचारक परमेश्वर के सैकड़ों लोगों के दशमांश लेते हैं। अगर 100 लोग भी एक पास्टर को अपने दशमांश देते हैं, तो उनकी आमदनी एक औसत व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा हो सकती है और फिर वह जल्द ही धनवान हो जाता है और उसके समर्थक उतने ही गरीब हो जाते हैं। और अपने धनवान हो जाने को सही ठहराने के लिए वह संपन्नता का प्रचार
परमेश्वर की एक आशीष के रूप में करने लगेगा। पुरानी वाचा व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 5, 8 और 11। और उसका झुंड धोखा खाएगा। आज पूरे मसीही जगत में, पूरे विश्व में ये धोखा चल रहा है और ये सब यीशु के नाम में हो रहा है। व्यापार करने वाले फिर से परमेश्वर के मंदिर में वापस पहुंच गए हैं और अब उन्हें यीशु की तरह बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई साहसी प्रचारक नहीं है जो इन साहसी चालबाजों का पर्दाफाश कर सके। तो परमेश्वर के काम के लिए हमें कितना पैसा देना चाहिए? सिर्फ उतना जितना हम खुशी से दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता जो किसी दबाव में आकर या उससे कुछ पाने के लिए देते हैं। देखिए 2 कुरिन्थियों 9:27। पहले प्रभु को अपने शरीर जीवित बलिदान होने को दे दे और फिर जो भी धन आप खुशी से दे सकते हैं वह दे, लेकिन एक धार्मिक रीति पूरी करने के लिए नहीं और भयभीत होकर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आशा है कि परमेश्वर के वचन की ये समझ आपको इस झूठी शिक्षा से आजाद कर देगी। अंत के दिनों में बचे हुए लोग 3:16 में हम अंत के दिनों में परमेश्वर के बचे हुए लोगों की कुछ विशिष्टताएं पाते हैं। वे परमेश्वर का भय मानने वाले होते हैं। वे अपनी बोली के प्रति बहुत सचेत होते हैं। उनमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बड़ी जलन होती है और प्रभु उनके नाम एक पुस्तक में लिखता है जिसे स्मृति पुस्तक कहा जाता है। ये जीवन की पुस्तक नहीं है जिसमें सब नया जन्म पाए लोगों के नाम लिखे हैं। इस पुस्तक में सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जिन्हें उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है, जिनमें उसके नाम के लिए बड़ी जलन होती है और जो एक दूसरे से प्रभु के बारे में बातें करते हैं। इस पुस्तक में कानाफूसी करने वाले और पीठ पीछे बुराई करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं मिलेगा। मेरा अनुमान है कि इस पुस्तक में जीवन की पुस्तक के नामों की संख्या का 5% से भी कम होगा। प्रभु कहता है कि ये संत उसका खास खजाना है। एक दिन वह उन्हें जगत के सामने प्रकट करेगा और सिर्फ उस दिन ही हम ये देखेंगे कि किसने परमेश्वर की वास्तव में सेवा की है और किसने उसका सेवक होने का पाखंड करते हुए सिर्फ अपने ही स्वार्थ की खोज की थी। अध्याय 4 में आने वाले न्याय के दिन के बारे में बताया है। घमंडी लोगों का सबसे पहले न्याय किया जाएगा। सब घमंडी और दुराचारी लोग भूसी के समान हो जाएंगे और वह धधकते भट्टे के समान आने वाला दिन उन्हें ऐसा भस्म करेगा कि उनकी न तो जड़ और न डालियां बच पाएंगी। 4:1। आपने देखा कि परमेश्वर घमंड से कितनी घृणा करता है और फिर प्रभु कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, सच्ची धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे और तुम दुष्ट लोगों को अपने पैरों से कुचलोगे, क्योंकि मेरे तैयार किए हुए उस दिन में वे तुम्हारे पैरों के नीचे की राख बन जाएंगे। 4:2-3। जब मसीह लौटेगा तब शैतान
हमारे पैर के नीचे कुचला जाएगा। रोमियो 16:20। अंत में मलाकी ने ये नबुवत की, परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। 4:5। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इज़राइल में एलिया की आत्मा में आया था। लूका 1:17। लेकिन यीशु ने अपने समय के यहूदियों से कहा था कि जिसकी नबुवत की गई है, यूहन्ना सिर्फ तभी वह एलिया होता अगर वे यूहन्ना और उसके संदेश को स्वीकार करते। मत्ती 11:14। लेकिन इज़राइल ने यूहन्ना को स्वीकार नहीं किया और इसलिए जिस एलिया की नबुवत की गई थी यूहन्ना वह नहीं था। अब जबकि हम अंत के दिनों में प्रवेश कर रहे हैं, तो परमेश्वर जगत में एक एलिया सेवकाई भेजेगा। ये किसी अकेले व्यक्ति द्वारा नहीं होगी जैसा कि पुरानी वाचा के समय में था, लेकिन अंत के दिनों की मसीह की देह द्वारा होगी। कलीसिया और उसके सेवकों को अब एलिया की आत्मा में जाना है, और जैसे एलिया ने कर्मेल पर्वत पर प्रचार किया था, वैसे ही उन्हें भी ये प्रचार करना है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अगर मसीह तुम्हारा प्रभु है तो उसकी सेवा करो, और अगर मैमन धन संपत्ति तुम्हारा ईश्वर है तो उसकी सेवा करो। लेकिन तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मलाकी का अंतिम कथन ये है कि एलिया माता पिता के मन उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन उनके माता पिता की ओर फेरेगा, कि ऐसा न हो कि प्रभु पृथ्वी को श्राप के द्वारा नाश करे। 4:6। जकर्या की पुस्तक में हमने एक ऐसी नबुवत देखी थी जिसमें माता पिता और बच्चों के बीच पीढ़ी का अंतर मिट जाएगा और माता पिता अपने बच्चों के साथ एक महिमामय संगति में होंगे। यहाँ भी हम वैसे ही नबुवत पाते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है और अंत के इन दिनों में कलीसिया को इस पर जोर देना चाहिए। हमें पारिवारिक संबंध बढ़ाने चाहिए, घर परिवार में मेल मिलाप की बातों पर जोर देना चाहिए, और पिताओं और पुत्रों को एक दूसरे के निकट लाना चाहिए। झूठे धार्मिक पंथ बच्चों और माता पिता को एक दूसरे से अलग करते हैं और घरों को तोड़ते हैं। यहाँ ये कहा गया है कि जो ऐसा करेंगे परमेश्वर उन्हें श्राप देगा। अंत के इन दिनों में परमेश्वर माता पिता और बच्चों को एक दूसरे से जोड़ना चाहता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पुरानी वाचा का अंतिम शब्द श्राप है। मसीह हमारे लिए श्राप बना ताकि वह श्राप मिटाया जा सके। गलातियों 3:13। इसलिए नई वाचा का अंतिम वाक्यांश ये है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह सब पवित्र लोगों पर होता रहे। प्रकाशित वाक्य 22:21। मसीह के आने पर पृथ्वी का सारा श्राप पूरी तरह मिटाया जाएगा। आज हमारी बुलाहट यही है कि हम लोगों को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इन ईश्वरीय भविष्य वक्ताओं के उदाहरण का पालन करने के लिए हमारी सहायता कीजिए, ताकि हमारे देश में, हमारे इस समय में, हम ऐसे बहुत से
अधिक होंगे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।